आपका स्वागत है। नगर पंचायत चुनाव के कारण हर प्रत्याशी और जनता के बीच जनता से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। बिहार में नगर पंचायत चुनाव की चर्चा जोरों पर है और सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी लगातार अपनी अपनी जनता के संपर्क में है। जमुई जिले के जमुई नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं अमर कुमार भगत। अमर कुमार भगत 2000 ईस्वी से सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। हमेशा उनका योगदान समाज में होता है। अमर कुमार भगत 2007 में प्रथम बार वार्ड पार्षद का चुनाव वार्ड नंबर 22 से लड़े और उन्हें जीत हासिल हुई। 2012 में भी उन्होंने वार्ड नंबर 22 से वार्ड पार्षद का चुनाव जीता। 2017 के नगर परिषद के चुनाव में वार्ड नंबर 22 में आरक्षित सीट होने के कारण अमर कुमार भगत वार्ड नंबर 20 से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें वार्ड नंबर 20 में जीत हासिल नहीं हुई। आदर्श भारत टीवी के संवाददाता से बातचीत में अमर कुमार भगत ने बताया कि 10 वर्षों से तक मैंने अपने वार्ड नंबर 22 का प्रतिनिधित्व किया। वार्ड नंबर 22 में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम की। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आई उसको वार्ड के धरातल पर उतारा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सड़क का निर्माण हो, गली नली का कार्य हो, साफ सफाई हो, पेंशन योजना हो, हर क्षेत्र में मैंने काम किया। सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया, हमेशा जनता के लिए हाजिर रहा हूं। उन्होंने कहा 10 वर्षों के कार्यकाल में मैंने वार्ड नंबर 22 में 150 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, 150 लोगों को पेंशन, वार्ड में सभी जगह सड़क का निर्माण, गली नली का निर्माण, वार्ड में हमेशा साफ सफाई करवाना, 500 लोगों को राशन कार्ड बनवाए, वार्ड में 400 स्ट्रीट लगवाना, इस तरह की कई महत्वपूर्ण कार्य 10 वर्षों में की गई। अमर कुमार भगत ने 2017 के नगर परिषद के चुनाव में वार्ड नंबर 20 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। चुनाव हारने के बावजूद अमर कुमार ने वार्ड नंबर 20 की जनता का साथ नहीं छोड़ा। जब भी लोगों को जरूरत पड़ी अमर कुमार भगत ने हमेशा लोगों का साथ दिया। आपको बता दें अमर कुमार भगत लगातार अपने क्षेत्र में जनता की सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि वो 10 वर्षों से लगातार वार्ड पार्षद का प्रतिनिधित्व किया। इस बार 2022 के नगर परिषद के चुनाव में अमर कुमार भगत वार्ड नंबर 20 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं वार्ड नंबर 20 का वार्ड पार्षद बना तो सबसे पहले वार्ड नंबर 20 में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करूंगा। वार्ड में एक विद्यालय का निर्माण करवाऊंगा। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर वार्ड नंबर 20 का सर्वांगीण विकास करूंगा। अमर कुमार भगत ने 2022 के चुनाव में वार्ड नंबर 20 की जनता से अपील किया है कि अगर मैंने आपके कार्यकाल में काम किया है तो इस बार वार्ड नंबर 20 से वार्ड पार्षद बनने का मौका दीजिए। बिहार में नगर निकाय के चुनाव का चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो गया है। प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र में चुनाव को लेकर जनता से मिलना जुलना स्टार्ट कर दिए हैं। आज मैं जमुई जिले के जमुई नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 में आया हूँ। यहाँ से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में हैं अमर कुमार भगत जी। आज हम इनके पास आए हैं और आज हम इनके बारे में जानेंगे और ये किस तरीके से काम करते हैं और ये प्रत्याशी अपने क्षेत्र वार्ड नंबर 20 से क्यों बने हैं और यहाँ की जनता अगर इनको अपना बहुमूल्य वोट दे के वार्ड पार्षद में चुनाव जिताती है तो ये अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास का काम करेंगे। अमर कुमार जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आप बताएं कब से आप सामाजिक स्तर पर जुड़ के समाज सेवी का काम कर रहे हैं? देखिए कि मैं सामाजिक स्तर से काम सन 2000 से कर रहा हूँ जी। 2001 में मैं जमुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष था। उस समय भी मैंने पूरे तन मन से पूरे जमुई बाजार का सेवा किया। किसी भी व्यापारी को कभी कोई कष्ट नहीं होने देते थे जी। उसके बाद 2007 में मैं सक्रिय राजनीति में आया, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा वार्ड नंबर 22 से और अभूतपूर्व जीत हासिल किया। और 2007 से लेकर के फिर 2012 में भी मेरी पत्नी खड़ा हुई। उस 12 से 17 तक भी मुझे वार्ड नंबर 22 का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और ये मैं नहीं आप जमुई नगर परिषद के किसी भी वार्ड में चले जाइएगा तो मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा काम बोलता है। आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, मेरा वार्ड नंबर 22 में ऐसा भी एक भी सड़क नली गली नहीं है जो पक्की नहीं है। हर एक घर में राशन कार्ड है, हर एक को पेंशन है, हर एक को जो लेने लायक लाभार्थी हैं सबको इंदिरा आवास है। दो टर्म आप अपना वार्ड नंबर 22 का प्रतिनिधित्व किए हैं जी, जिसमें जो भी आपके पास सरकारी फंड आया उसको आप धरातल पे वार्ड के धरातल पर उतारे। जो भी सरकारी फंड हुआ उसको धरातल पर उतारे हैं और अंतिम पायदान तक उसका लाभ पहुंचाए। इस बार आप वार्ड नंबर 20 से वार्ड पार्षद का प्रत्याशी हैं जी। मैं पिछली बार भी था वार्ड नंबर 20 से प्रत्याशी, क्योंकि मेरा वार्ड सुरक्षित हो गया था तो मैं बगल के वार्ड से 20 नंबर से चुनाव लड़ा। अब बहुत नॉमिनल मार्जिन से मैं चुनाव हार गया, लेकिन फिर भी मैं जनता की सेवा में लगा रहा। चाहे वो जल निकास का मामला हो, चाहे वो सड़क नली का मामला हो, मैंने नगर परिषद से फंड हमको नहीं मिलने के बावजूद मैंने विधायक से सांसद से फंड लेकर वार्ड नंबर 20 के जनता की सेवा में समर्पित किया, जल निकास को मुक्त किया
और जहां तक बन सका आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया। और मेरा सबसे पहला लक्ष्य होगा वार्ड नंबर 20 में एक भी सरकारी विद्यालय नहीं है। सबसे पहले एक सरकारी विद्यालय खोलूंगा वार्ड नंबर 20 में और हर एक घर को आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ूंगा, जो कि अभी वहां की एक एक जनता के पास हमको नहीं लगता है कि 10-20 आदमी के पास भी वहां आयुष्मान भारत कार्ड होगा। और किस तरीके से विकास का काम और विकास का काम भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड नंबर 20 रहेगा। एक भी सरकारी कार्य में एक भी राशि मैंने का भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और भय मुक्त वातावरण दूंगा। और हर एक गली नली पक्कीकरण होगी, स्ट्रीट लाइट लगेगा, सोलर लाइट लगाएंगे, हर घर तक नल का जल पहुंचाएंगे। और क्या बताएं, तो मैं नहीं, आप वार्ड नंबर 20 में जाइए, हमारा काम बोलेगा वहां पर। मैं वहां का जनप्रतिनिधि नहीं रहते हुए भी लोग हमको मने, मैं वहां चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरा वार्ड नंबर 20 की जनता वहां चुनाव लड़ रही है और इस बार अभूतपूर्व जीत हासिल होगा वार्ड नंबर 20 से। आपके बातों के अनुसार आप अपने वार्ड नंबर 20 को एक आदर्श वार्ड बनाने का प्रयास आप करेंगे? आदर्श वार्ड तो जरूर बनेगा और शहर के इतना नजदीक होते हुए भी अभी वो विकास से बहुत पीछे है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन अगर इस बार जनता मौका देगी तो वार्ड नंबर 20 का सर्वांगीण विकास होगा। और वार्ड नंबर 20 का ही नहीं होगा, अगर इस बार मैं नगर परिषद पहुंचा तो जमुई नगर परिषद का विकास होगा। एक मैं अपने वार्ड से हट करके जमुई के बारे में सोचता हूं। जमुई के चारों तरफ ऐसा मैंने वातावरण है कि एक रिंग रोड की आवश्यकता है जमुई को, जो कि चारों तरफ से इसको जाम से मुक्त दिला देगा, जो कि खैरमा से लेकर के आपको इधर से होते हुए नीमा होते हुए गरसंडा होते हुए एक रिंग रोड की आवश्यकता है जो जाम से मुक्त हो जाएगा। और वार्ड नंबर 20 जल जमाव से भी परेशान है, उसके लिए भी मैं बेहतर स्कीम बना करके नगर जमुई नगर परिषद से नहीं होगा पटना से पास करवा के लाऊंगा और काम करवाऊंगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों, अपने जमुई क्षेत्र वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस वार्ड के चुनाव में? हम वार्ड नंबर 20 के साथ साथ जमुई शहर के 300 वार्ड के नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि लालच और लोभ में नहीं पड़कर सही प्रत्याशी को चुने, ताकि जमुई का विकास हो और वार्ड का विकास हो और हर एक घर का विकास हो। शिक्षा का अलग जगह, शिक्षा के बारे में कोई सोचता नहीं है। आज जमुई नगर परिषद में आप देख लीजिए 15-20 बरस से एक भी कॉलेज नहीं खुला है। ये जमुई का दुर्भाग्य है कि जमुई में एक भी नया कॉलेज नहीं खुला 20-30 बरस में। जमुई में मैं अपने वार्ड के साथ साथ जमुई शहर में भी शिक्षा का अलग जगह हूँ। इसके साथ फिलहाल की खबरों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और तमाम खबरों को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, आदर्श भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।